अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मोशन का जो लास्ट जो टॉपिक है, दैट्स द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हम आज इस वीडियो में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे तीन वर्ड्स आते हैं। फर्स्ट है दैट्स अगर हम देखेंगे यूनिफॉर्म, फिर है सर्कुलर, फिर है मोशन। तो फर्स्ट वर्ड हम देखेंगे दैट्स, अगर हम मोशन की बात करेंगे, बॉडी नीड्स टू बी मूव, बॉडी नीड्स टू बी मूव, टू बी मूव। फर्स्ट वर्ड आया मोशन, क्योंकि जब हमें मोशन, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कोई बॉडी रेस्ट में आएगी तो उसको पहले मोशन में लाना है, ठीक है। सेकंड हम देखेंगे सर्कुलर, इसकी जो पाथ होगी इस टॉपिक में, जो हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे, दैट विल बी ए सर्कुलर पाथ ऑफ द बॉडी इज सर्कुलर, सर्कुलर, ठीक है। इज सर्कुलर और या आप बोलोगे सर्कल, ठीक है। इसके बाद है दैट्स यूनिफॉर्म, फिर यूनिफॉर्म। अब हम फॉर एग्जांपल उसकी रेडियस या फॉर एग्जांपल जो भी होगा उसका मैग्नीट्यूड, वो हम किस में लेंगे, यूनिफॉर्म है या नॉन, बट यहाँ पे तो टॉपिक में है यूनिफॉर्म, तो आप यूनिफॉर्म में देखेंगे दैट्स यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में दैट मीन्स कॉन्स्टेंट स्पीड, कॉन्स्टेंट स्पीड। तो आई होप कि आप लोगों को ये पता चला होगा कि आप इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे तो दैट मीन्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जो बॉडी मूव करेगी वो ऐसे मूव करेगी सो दैट उसकी कॉन्स्टेंट स्पीड होगी, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे, बिफोर गोइंग टू डिस्कस द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हमें पता होना चाहिए वट इज ए सर्कुलर मोशन। तो पहले हम वो जानते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन। नाउ व्हाट इज ए सर्कुलर मोशन? अगर कोई फॉर एग्जांपल ऐसे आप समझो, एक बॉडी ट्रेवल कर रही है अलोंग ए सर्कल, अलोंग ए सर्कल, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो मैं यहां पे लिखता हूं, व्हेन ए बॉडी और एन ऑब्जेक्ट, चलो बॉडी नहीं ये चाहेगा ऑब्जेक्ट आप भी लिख सकते हो, व्हेन ए बॉडी और एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग अलोंग ए सर्कल, अलोंग ए सर्कल, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। दिस टाइप ऑफ मोशन is called circular motion, circular motion। Now अब हम अच्छी तरह डिस्कस करेंगे कि सर्कुलर मोशन में होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, ये मैंने क्या यहां पर बनाया सर्कल। अब सर्कल में क्या क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर सेंटर होता है, यहां से यहां तक रेडियस होता है, ठीक है। अब इस तरह यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने रस्सी से बांधा है, अब मैं उसको घुमाऊंगा। अब एक काम करना, घर पे भी ट्राई करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां से मैं घुमा रहा हूं तो ये ऐसे फॉलो करेगा, ऐसे फॉलो करेगा, ठीक है। देखो ये जब ऐसे फॉलो करेगा, फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट पहले यहां पर था, अब देखो यहां से वो ट्रेवल कर रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर 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 इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि जो बॉडी मूव कर रही है वो सर्कुलर में मूव कर रही है, ठीक है। तो यहां से यहां तक फॉर एग्जाम्पल जो हमने बोला था, ये तो सेंटर था, ये तो यहां तक रेडियस, जिसको आप यहां पे बोलोगे मैग्नीट्यूड, जिसको आप बोलोगे यहां पे मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो इसकी स्पीड स्पीड होती है वो कांस्टेंट रहती है, क्यों? रेडियस अगर आप देखोगे सर्कल का, वो तो कंटिन्यूअसली सेम होता है। तो इस तरह यहाँ पे भी देखो कि स्पीड जो है यहाँ पे मैग्नीट्यूड वो कांस्टेंट रहेगा। हाँ, बट एक चीज यहाँ पे वेलोसिटी, वेलोसिटी की हम बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने बोला सर्कल का, सर्कल यहाँ पे यहाँ से मैग्नीट्यूड है, अगर आप देखो इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली, क्यों?
पहले देखो, अगर फॉर एग्जांपल सर्कल किसका बना होता है, पॉइंट्स का बना होता है, पॉइंट्स का बना होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम सर्कल की बात करेंगे, सर्कल कैसे बना होता है, पॉइंट्स का। जैसे फॉर एग्जांपल डॉटेड लाइंस का मैं बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो कैसे बना होता है सर्कल, पॉइंट्स का बना होता है। जू ही फॉर एग्जाम्पल यह तो रेडियस हो गया इसकी, यहां से डायरेक्शन, फिर यहां पूछा ऑब्जेक्ट, यहां से डायरेक्शन, फिर यहां पूछा यहां से डायरेक्शन, फिर यहां पूछा यहां से डायरेक्शन। अगर आप देखोगे इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, जिस तरह से स्पीड में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, बट वेलोसिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड इसका तो कॉन्स्टेंट रह गया, बट डायरेक्शन इसकी चेंज हो रही है। सो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। ये आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आएगा कि जो यूनिफॉर्म मोशन में होता है, ये जो डायरेक्शन होती है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती है, क्योंकि कंटिन्यूअसली ये रोटेट कर रहा है। सो ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे ये डायरेक्शन चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल यही पे मैं लेता हूं, चलो इसने सर्कल में ट्रेवल किया, ठीक है। जो ही इसने सर्कल में ट्रेवल, ये हो गया इसका ओब्वियसली, इसका तो सेंटर होगा ही, क्यों सर्कल में तो ओब्वियसली सेंटर होता ही है। यहां से आप देखो ये हो गई इसकी रेडियस, ऑब्जेक्ट यहां पूछा, यहां पे पहले इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट फिर यहां पूछा, जो ही ऑब्जेक्ट यहां पूछेगा अब इसकी डायरेक्शन यहां पे होगी, फिर ऑब्जेक्ट यहां पूछेगा, क्यों ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो यहां डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में, फिर यहां पे पूछा तो यहां इस डायरेक्शन में होगी। अब आप लोगों ने देखा कि वेलोसिटी, अगर फॉर एग्जांपल यहां पे हम देखेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी में इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। हाँ मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, बट इसकी जो डायरेक्शन ऑफ ये वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो यहाँ पे अब बोल सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा है अगर मुझे किसी बॉडी में वेलोसिटी चेंज करनी, तो हम कैसे करते हैं, मैंने बोला था कि कैसे करते हैं, तो ओब्वियसली या तो उसकी स्पीड, हाँ या तो उसकी स्पीड चेंज करेंगे, ठीक है। वो नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ स्पीड कांस्टेंट रखेंगे और उसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज कर, तो यहाँ पे वही होता है, जो ही हमने डायरेक्शन चेंज किया तो बॉडी, तो यहाँ पे क्या आया, तो एक्सेलरेशन आ गई, क्यों, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पे चेंज क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हुई, तो जो ही यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गई तो दैट मीन्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई, क्यों, चेंज इन वेलोसिटी मीन्स टू गिव एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो सर्कुलर मोशन में अब क्या होता है कि इसमें स्पीड कांस्टेंट रहती है बट डायरेक्शन चेंज होती है, ये आप लोगों को याद रह जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसमें क्या है, तो फिर आप लोग ये लिखना कि, तो इसमें थोड़ा मैं लिखता हूं, द डायरेक्शन ऑफ मोशन, द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और ये डायरेक्शन ऑफ स्पीड भी बोल सकते हो, और डायरेक्शन ऑफ स्पीड कीप्स चेंजिंग चेंजिंग कंटिन्यूअसली चेंजिंग कंटिन्यूअसली, यहां पे कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि सर्कुलर मोशन में कितने टाइप्स हैं, या टाइप्स क्या क्या है इसके। तो फर्स्ट टाइप अगर हम देखेंगे, फर्स्ट टाइप में क्या आ जाएगा इसका, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, फर्स्ट दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसके बाद नेक्स्ट क्या है इसका, सेकंड दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहले हम डिस्कस करेंगे ये कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है। यूनिफॉर्म, यहां भी वर्ड आया यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म जब वर्ड है दैट मीन्स इसकी जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी, एंड यूनिफॉर्म स्पीड, फॉर एग्जांपल मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, आप भी लिखना, व्हेन ए बॉडी, व्हेन ए बॉडी मूव्स
इन ए सर्कुलर पाथ। जब एक बॉडी मूव करेगी अलोंग ए सर्कुलर पाथ, हाँ, विद कॉन्स्टेंट स्पीड। अगर आप मैग्नीट्यूड भी लिखना चाहते हो तो मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो, ठीक है, क्यों, ऑब्वियसली वहां तो स्पीड क्या है, मैग्नीट्यूड ही है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। सर्कुलर पाथ विद कॉन्स्टेंट स्पीड, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, और यूनिफॉर्म स्पीड भी, और यूनिफॉर्म स्पीड भी अगर कोई लिखना चाहता है, और यूनिफॉर्म स्पीड। वेल ए बॉडी या ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर पाथ विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड, द मोशन इज सेड टू बी, द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, फॉर एग्जाम्पल, जो ही आप फॉर एग्जाम्पल एक काम करना है, एक स्टोन लेना और एक थ्रेड लेना, आप उसको बांधना, फिर रोटेट करना, जो ही आप रोटेट करोगे वो सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस करेगा, सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस करेगा, जो ही सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस करेगा, फिर एक काम करना, उसको ऑब्जेक्ट को आप रेस्ट में ले आना, जो ही रेस्ट में ले आओगे ना वो यहाँ से भाग जाएगा, अगर यहाँ से छोड़ोगे यहाँ से भाग जाएगा, क्यों, वो अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, आप लोगों ने देखा जैसे मैंने सर्कल बनाया, फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा था किस में, सर्कुलर मोशन में, यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है, यू ही डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। हाउ एवर इसकी जो डायरेक्शन, हाउ एवर इट इज डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग चेंजिंग कंटिन्यूअसली, ठीक है। नाउ अगर हमें सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस करना होगा, तो उसके लिए हमें फोर्स की जरूरत है, तो यहां पे वर्ड आया फोर्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स, फोर्स पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड ए फोर्स, वर्ड टर्म आया है फोर्स, इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में कि फोर्स क्या होता है, ठीक है। नाउ फोर्स यहां पे इन ऑर्डर टू गेट सर्कुलर मोशन, इन ऑर्डर टू गेट सर्कुलर मोशन वी नीड फोर्स, ऑब्वियसली वी नीड फोर्स, हमें फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे, जो ही आप ये एक स्टूल और थ्रेड आप उसमें बांधोगे, फिर उसको रोटेट करोगे, आप देखना जो ही आप रोटेट करोगे उसको वहां पे फोर्स लगेगा, इनवर्ड फोर्स मतलब कि उसमें एक ऐसा फोर्स होगा जो उसको अपनी तरफ खींचेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर्कल एक मैंने बनाया यहाँ पे, ठीक है, अब इसको एक फोर्स ऐसा होगा जो इसको अंदर की तरफ खींचेगा, टुवर्ड्स द सेंटर खींचेगा, उस फोर्स को हम कहते हैं फर्स्ट, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो याद रखिए कि जो फर्स्ट फोर्स आएगा इसमें, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब सेंट्रीपिटल मीन्स सेंटर सीकिंग, सेंट्रीपिटल को हम ऐसे भी बोलते हैं सेंटर सीकिंग, क्योंकि ये जो फोर्स है ये इसको सेंटर की तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है, इसको हम आल्सो भी कहते हैं इनवर्ड फोर्स। अब इनवर्ड फोर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो ये फोर्स है ये इसको अब सेंटर की तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो इसके बाद और एक फोर्स आता है इसमें जो इसको बाहर की तरफ खींचता है, जैसे फॉर एग्जांपल जो ही आप उसको छोड़ोगे पता नहीं वो किस साइड में चला जाएगा, क्यों, उसको कोई फोर्स ऐसे बाहर की तरफ खींच रहा है। तो जो नेक्स्ट फोर्स होगा जो इसको आउटवर्ड्स फोर्स खींचेगा, दैट विल बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स,
फोर्स। अब हम ये दोनों डिस्कस करेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने बॉडी सिंपली सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या होता है, व्हेन ए फॉर एग्जांपल ऐसा फोर्स जो मतलब बॉडी या ऑब्जेक्ट को हेल्प करेगा या नीड करेगा उसको मूव करने में, किस में, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर ट्रेवल में मूव करने, ठीक है। तो अब आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, इसका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। व्हेन ए या फॉर एग्जांपल इट इज ए फोर्स व्हिच इज needed to move an object along a circular path simply। वो फोर्स जो हमें जरूरत पड़ता है किस पे, टू मूव ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ में मूव करने में, ठीक है, उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट क्या है, ये था फर्स्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फॉर एग्जांपल इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूंगा, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए सर्कल। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट जो सर्कल में मूव कर रहा है एंड एक्सपीरियंसेस एन आउटवर्ड फोर्स। एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन ए सर्कल एंड एक्सपीरियंस कर रहा है आउटवर्ड फोर्स। फॉर एग्जाम्पल आप एक ऑब्जेक्ट घुमा रहे हो, ऑब्जेक्ट जब आप घुमा रहे हो, ठीक है, तो एक फोर्स को अंदर की तरफ खींच रहा है और एक फोर्स बाहर की, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे एक तो इसको बाहर की तरफ खींचेगा, एक तो इसको अंदर की तरफ खींचेगा। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर हम देखेंगे असल में ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इट इज ए सीडो फोर्स, PSEUDO, सीडो फोर्स। Now, what do you mean by pseudo force? Pseudo force is a hollow force, it's a fictitious force. असल में कोई इसको बाहर की तरह कोई खींचता नहीं। हाँ, आप लोगों ने कभी देखा है कि कोई इसको बाहर की तरह कोई खींच रहा है? कोई तो खींच रहा है इसको, but असल में कोई खींचता ही नहीं है उसको, ठीक है? तो that's called what we called in physics as a pseudo force, ठीक है? तो ये था about a centripetal force, centrifugal force, ठीक है? अब हम discuss करेंगे किसके बारे में, कि अगर हमें for example एक body move कर रही है circular path में, ठीक है, तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, अब हमें इसकी स्पीड निकालनी है। अगर हमें स्पीड मेजर करनी है, हम कैसे मेजर कर सकते हैं वो हम देखेंगे आप, ठीक है। हाउ टू मेजर स्पीड ऑफ ए बॉडी मूविंग इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जाम्पल बॉडी मूव कर रही है along सर्कल में मूव कर रही है, ठीक है, ये हो गया सेंटर इसका। बॉडी जो मूव कर रही थी किस में कर रही थी, मूव सर्कल में मूव कर रही थी, शाबाश, सर्कल में मूव कर रही थी, और इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, ठीक है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। हमें क्या निकालना है, स्पीड। हमें पता है स्पीड किसके बराबर होती है, स्पीड इज इक्वल टू दैट्स डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम।
ठीक है, अब यहां पे डिस्टेंस देखते हैं, यहां पे क्या आ जाएगा? अगर मैं यहां पे देखूंगा स्पीड इज इक्वल टू, सर यूनिफॉर्म सर्कुलर की बात, सर्कुलर मोशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा डिस्टेंस में? सर्कमफ्रेंस, क्यों? बॉडी यहां पे मूव करेगी अलोंग द सर्कमफ्रेंस, ठीक है, सर्कम फ्रेंस ऑफ ए सर्कल डिवाइडेड बाय टाइम। नाउ अब आप लोगों को पता है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल वो किसके बराबर होता है, दैट्स, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं जो स्पीड है इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ, दैट्स टू पाई आर डिवाइडेड बाय टी। अब आप लोगों के लिए आपको मिट्स में बताना है कि मैं इसके बदले पाई डी डिवाइड बाई टी लिख सकता हूं क्या, कमेंट्स में बताना, ठीक है, कि पाई डी डिवाइड बाई टी लिख सकता हूं क्या। और स्पीड हम किसे डिनोट करते हैं? वी से, वी इज इक्वल टू दैट्स टू बाई आर डिवाइड बाई टी, तो ये आप याद रखना है। स्पीड अगर हमें निकालनी होगी किसकी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो हम इस इक्वेशन के थ्रू निकाल सकते हैं, ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हो वायर वी इज इक्वल टू स्पीड, आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल पाई कॉन्स्टेंट, इसका वैल्यू क्या है? दैट्स 22 डिवाइड बाय 7 और 3.14 भी हम लिखते हैं, ठीक है। टी, टी इज ए टाइम, यहां पे टाइम, ठीक है, तो ये था अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आएगा तो उसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स अबाउट दिस, ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी रह गए थे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, फिर इस तरह से आप लोगों का फिर मोशन ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो आप लोगों के लिए थोड़ा होमवर्क में डालता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग वो घर पे करना। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है आप लोगों को, ये आप लोगों को करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपको बताना है कि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, लीनियर मोशन तो आप लोगों ने पढ़ा है, लीनियर मोशन क्या होता है, ठीक है, एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो आज हमने पढ़ा है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान आपको एक मेन डिफरेंस बताना है, ठीक है। सेकेंड है, ए स्टोन टाइड टू वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग इज वर्ल इन ए सर्कल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक स्टोन जो हम किसी थ्रेड से बांध रहे हैं, ठीक है, उसको वर्ल कर रहे हैं, ठीक है, घुमा रहे हैं, इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स, अगर स्ट्रिंग ब्रेक होती है, फॉर एग्जाम्पल वो रस्सी टूट जाती है, द स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली, अब वो जो स्टोन है वो फ्लाई करेगी, मतलब भाग जाएगी टेंजेंशियली, यहाँ पे वर्ड आया टेंजेंशियली, व्हाट डू यू मीन बाय टेंजेंशियली, थोड़ा मैं समझाता हूँ टेंजेंशियली क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये सर्कल है हमारे पास, ठीक है, सर्कल पे अगर हम कोई एक ऐसी लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है, लाइन ड्रा हमने की, तो यहाँ पे एक पॉइंट के साथ ये टच करेगा, एक पॉइंट के साथ ये टच करेगा, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट, टेंजेंट। अब टेंजेंट क्या होता है कि एक लाइन, ठीक है, जो टच करेगा एक पॉइंट के साथ, ठीक है, एक पॉइंट के साथ, यहां पे देखो आप सर्कल, सर्कल में जा रहा है, एक पॉइंट के साथ ये टच कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं टेंजेंट, इसको, तो यहां पे आप स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली, तो स्टोन भाग जाएगा बाय एट ए टेंजेंशियली, तो आप लोगों को ऐसे भाग जाएगा, समझ में आया? अब आपको बताना है क्यों भाग जाएगा, ठीक है, वाय। तो थर्ड है, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसकी जो डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्या वो डिपेंड करते हैं किस पे? सेंस ऑफ रोटेशन पे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना। We'll be right back.